आई नो कि बहुत से लोग परेशान हैं कि उनको जो है माझी लाड़ की बहन योजना जो स्कीम है इसका अमाउंट नहीं आया, 3,000 रुपीज़। जैसे कहा गया था कि फर्स्ट जो आपको सब्सिडी अमाउंट आएगा वो इतना आएगा, लेकिन नहीं आया। मैं आज जो है बैंक गया था, ऐसे मेरे कुछ काम के लिए गया था, तो मैंने बैंक में ये देखा कि सारे लोग, जितने भी लोग आए थे बैंक में, वो सिर्फ एक ही इशू को लेके आए थे कि वो ये कह रहे थे कि हमें अमाउंट नहीं आया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल है और यही ही सॉल्यूशन है। ओके, ये कर लोगे ना 100% मैं बोलता हूँ। ओके, अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सब ठीक है तो आपका अमाउंट ज़रूर आ जाएगा। और वो क्या है इसको आप ध्यान से समझना। इसका सॉल्यूशन ये है, पहले तो ये एक अपडेट दे रहे हो कि अब आप नया एप्लीकेशन नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन से नहीं कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन ऑनलाइन बंद किया गया, ऑफलाइन चालू है। ओके, अगर आप कांटेक्ट करोगे जो भी आपके आसपास में जो आंगनवाड़ी है, या फिर आप डायरेक्टली जो है शिवसेना का जो ऑफिस है वहाँ पर भी जा सकते हो आप, या जो भी नगर पालिका जहाँ पर भी लोग काम करते हैं वहाँ पर जा सकते हो। अब आता है कि मेन एक्चुअल रीज़न कि अमाउंट क्यों नहीं आया आपको, क्या आपने गलती करा। गलती ये क्या कि आपने अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को सीड नहीं किया, लिंक नहीं कराया, यही एक रीज़न है। ओके, इस वजह से अमाउंट नहीं आया। आप जल्द से जल्द लिंक करा दीजिए और वेट कर लीजिए, अगर सब सही है तो अप्रूव होगा और आपका अमाउंट आएगा। ओके, ये एक काम ज़रूर कर लीजिए। आप आपको पता करना है कैसे करना है, तो UIDAI के पोर्टल पे जाइए, न्यू पोर्टल पे, वहाँ पे आपको बैंक सीडिंग हिस्ट्री दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे देखिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है कि इनएक्टिव है। होपफुली इतना छोटा सा अपडेट आपको समझ आ गया होगा, ये कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका अगर सब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है एज़ पर रिक्वायरमेंट, देन डेफिनेटली आपका अप्रूव होगा और आपका अमाउंट आपका क्रेडिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।